बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल अकाउंट प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मुफसल तौर से अपने गर्ज़-ओ-दायर इस सेमिनार के यहाँ पर बयान कर रहे थे, साथ ही साथ आपने पत्रकार विकास फाउंडेशन के जो मेन मकासद हैं उसे भी बयान किया। और यकीनन हम सभी चाहेंगे कि ये तमाम मसाइल जो सहाफ़ियों को दरपेश हैं, वो मसाइल जो है अरबाब इक़्तदार तक पहुँच कर उन मसाइल का जो तदारुक हो। आइए यहाँ पर, चूँकि हमारे अपने शहर से भी चंद नए उभरते हुए सहाफ़ी हज़रात हैं और जो जदीद तौर से जो है जदीद मीडिया के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपनी बेहतरीन जिम्मेदाराना खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं, उन्हीं में एक नाम आता है साजिद नईम। सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि जदीद सहाफ़त को बड़े अच्छे अंदाज से आप लेकर चल रहे हैं, तो जदीद सहाफ़त पर मुख्तसर इज़हार से आप। पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद अंसारी एहसान उद्दीन वो भी साफ़ी है और मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूँ जितनी इज्जत तमाम साफियों की करता हूँ। हाँ, तहरीर के ऊपर तदाद हो सकता है, अखबारात के ऊपर हो सकता है और जर्नलिज्म के जो अलग अलग कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म है, उसके ऊपर तदाद हो सकता है, लेकिन जो इज्जत और एहतराम की बातें मैं उतनी ही करता हूँ जितनी मेरे वालिद। और आए हुए तमाम ही साथियों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे बोला गया कि मैं मॉडर्न जर्नलिज्म पे बात करूँ, मॉडर्न जर्नलिज्म के अंदर मैं 20-10 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने ना सिर्फ लोकल पोर्टल्स के लिए काम किया बल्कि नेशनल इंटरनेशनल पोर्टल्स के लिए भी काम किया। हाँ, मैं जो हमारे और से खबरें जो भेजता था इंटरनेशनल एजेंसीज को और नेशनल एजेंसीज को, उसमें एथिक्स लगा के देता था, है ना। एक एथिकल जर्नलिज्म मैंने अपनी जिंदगी अब तक करते आया हूँ। एटीवी के लिए मैंने एक साल काम किया, उस वक्त थोड़ा पॉलिटिकल जर्नलिज्म मैंने किया था। मालेगांव का जो जर्नलिज्म है ये कहीं ना कहीं बटा हुआ है, इसमें ज़्यादा वेटेज जो है तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म को है। इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि ये पेपर इसका है, ये पेपर उसका, ऐसा नहीं है। हर पेपर जो है जर्नलिज्म ही कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म ज़्यादा कर रहा है। अगर वो अलग अलग शोबों के अंदर काम करना शुरू करें, जैसे कुछ अखबार निकलेंगे या पे एजुकेशन पर्पज के लिए निकले, लेकिन एक अखबार के अंदर अलग अलग अगर आपको सेक्शन मिलेंगे, कैटेगरी मिलेंगे, तो वो अखबार का म्यार बढ़ेगा। ठीक है, ये बात अलग हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि मॉडर्न जर्नलिज्म कैसे हो रहा है। तो मॉडर्न जर्नलिज्म यूट्यूब से हो रहा है। अब यूट्यूब के अंदर भी अर्निंग है, आप उस पर ऐड ला सकते हैं, लेकिन मालेगांव के जो यूट्यूबर्स हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं, वो रेस में लग गए। वो रेस में लगने से क्या हो गया, पहले मैं खबर करूँ, पहले मैं करूँ, उसमें एथिक्स चला जा रहा है, उसमें मैार गिर जा रहा है कि रेटिंग देने के चक्कर में ये हो रहा है, तो व्यूज तो आते नहीं है, उल्टा निगेटिव कमेंट्स आने लग जाते हैं और कोई जो यूट्यूबर होता है उसके ऊपर एक छाप लग जाती है कि ये फला फला पॉलिटिकल पार्टी का या फला फला जो है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है तो यूट्यूबर है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आपको जो है तो बैलेंस करके करना चाहिए। अगर एक यूट्यूब चैनल को आप एक टीम बना के चलाते हैं कि हमको ये पॉलिसी के तहत चलाना है, एक एडवर्टाइजमेंट की टीम होना चाहिए और जो एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर जो पॉलिसीज होते हैं अपडेट होती है वो तो एक्चुअल में कैसे अर्न करते हैं। कल ही 2 व्यूज लेके 100,000 व्यूज लेके 1,000 व्यूज लेके अर्निंग नहीं कर पा रहे। हाँ, मैं एक और बात करूँगा कि मालेगांव के अंदर तो ऐसे पेपर भी निकले थे दो पेज वाले थे रोजनामा के अंदर, और ऐसे साफी हजरात भी थे जिनकी तहरीरें जो है तो वाकई में तहरीक पैदा होती थी, उससे तहरीक बनती थी और मुहिम बनती थी। तो सवाल जर्नलिज्म की बात करें तो सारा पेपर पब्लिश करने के राइटिंग करने के लिए ये मियारी होना चाहिए। वैसे यूट्यूब पर भी आपसे अगर स्टोरीज वाकई में मियारी होगी, पसंद की इसको जाएगी तो उसको व्यूज भी बढ़ेंगे, और व्यूज़ आने बाद में एक तो एडसेन है, दूसरा ये है कि पेटीएम करके एक जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी स्टोरी किसी को पसंद आती है तो आपको फंडिंग करता है। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जिसको आज बोला जाता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के अंदर ये है कि आप स्टोरी लिखो उसको भेज दो। मैंने अब तक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ही करते आया हूँ, तो मैंने स्टोरी लिखी है, स्टोरी का समरी किसी को भेजा है, उसको पसंद आ गया, मैंने उसको बताया कि मैं ये स्टोरी इतने भेजना चाहता हूँ, तो वो स्टोरी वो खरीदते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी देखो हर उर्दू अखबार मालेगांव का वीडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पर चलता है, क्या मिलता है उससे मुझे नहीं पता, क्या मिलता है, मैं यहाँ पैसे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो वो जो कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में था, वो जो आपका यूनिक आर्टिकल, यूनिक वर्ड जो था, वर्ड पर वर्ड भी आपको पैसा मिल सकता था,
मैं यहाँ पे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये एक मॉडल बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, मिल सकता है लेकिन नहीं मिला, आपने उसको यूट्यूब पे ऐसे ही जाया कर दिया, ऑडियंस आपको है लेकिन ऑडियंस से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है? अगर उसको यूनिकोड में अगर आपने वेबसाइट पे डाले आज इंकलाब आ गया यूनिकोड के अंदर है ना, और बहुत सारे पेपर बीबीसी यूनिकोड में कई सालों से चल रहा है, कितना बड़ा नेटवर्क है, 50 कंट्री के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, और उसके अंदर जो ये लोग है क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट उसकी तादाद 5,000 से ज्यादा है, और अगर एटीवी भारत की बात करें कि ये भी पोर्टल है, अब्दुल्ला अंसारी यहाँ बैठे एटीवी भारत का नुमाइंदा, 23 स्टेट्स में चल रहे हैं, 13 लैंग्वेज में चल रहे हैं, उसके एडिटर है, उसके अंदर भी 10,000 एम्प्लॉइज है, तो ये बिजनेस मॉडल करके तो आपका जो पेपर है आपका यूट्यूब उसको बिजनेस मॉडल की तरफ ध्यान दे, और उसमें एक बात याद रखिए कि उसको एथिकल जर्नलिज्म उसमें आना ही चाहिए, वरना आप पे छाप पड़ेगा, लोग आपकी खबर पढ़ने बाद में आपको निगेटिव बोलते हैं, ना कि उसको बोलते हैं इसके बारे में लिखी हुई, जो लिखता है जो प्रेजेंट करता है उसके बारे में ज्यादा बोला जाता है। अब मैं यूट्यूब के बारे में पोर्टल्स पे आता हूँ, आजकल पोर्टल्स है तो ब्लॉग बनाना फ्री में ब्लॉग बनता है, कोई ब्लॉग बना दो, ब्लॉग बनाने बाद में ब्लॉग से भी अर्निंग होता है, ब्लॉग के नेक्स्ट से जाएंगे तो वेबसाइट इसको ब्लॉग से पोर्टल्स बोलते हैं, तो पोर्टल से भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर पोर्टल के ऊपर अभी उर्दू जो है तो आप समझ रहे हो उर्दू से जनरेट नहीं होता, उर्दू से भी जनरेट होता है, मान लो आपकी कुछ अच्छे मजामीन खबरें आप अच्छी तरह तरतीब देंगे, लोगों ऑडियंस अगर बाहर सर्च करती है गूगल के ऊपर और ऑडियंस सर्च करके आके आपके पोर्टल पे आके उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे वो वायरल तो कर रहे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आ रहे कि ये खबर मैंने जल्दी से छापी है, लोग विजिट करें वाहवाही हो जाएंगे, उसमें क्या हो रहा है कि उतना व्यूज नहीं आ रहा है, उन्हें ये चाहिए कि आप एक खबर आपके पोर्टल पे डालो, मजमून डालो, आर्टिकल यूनिक लिख के डालो, मैं वर्ड यूज करो यूनिक, अगर कोई पूरी दुनिया में सर्च करता है वो वर्ड, कोई एक वर्ड है सपोज एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, जैसे पत्रकार विकास फाउंडेशन एक वर्ड है, अभी ये वर्ड यूट्यूब पे गूगल पे कितना सर्च हो रहा है, अगर ये वर्ड ज्यादा सर्च होगा, जैसे सलमान खान अगर कोई सर्च करता है सलमान खान कीवर्ड की कीमत 27 रुपए से लेके 100 रुपए तक है, अगर किसी के आर्टिकल में सलमान खान लिखा है तो गूगल पे सर्च करके सलमान खान तो मिलता है, वो आर्टिकल रीड करता है उसके पोर्टल वाले को उनका पैसा मिलता है, बसरते वो पॉलिसी एडसेंस की पॉलिसी पे आना चाहिए, एडसेंस एक एजेंसी जो हम अभी जान रहे हैं, अभी हम नए नए ऐसे जो है तो हजारों सैकड़ों एजेंसीज है जिससे हम टाइप करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, दीवार के एग्जाम्पल लोग दीवार इंडिपेंडेंट जनरेशन करता है, क्राउड फंडेड है, वो बोलते हैं न्यूज़ पसंद आएगी तो हमको फंडिंग करो, उसको मैार बनाया है ना, वो जानबदार मतलब गैर जानबदार काम करते हैं, और एक उर्दू में भी चल रहा है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी चल रहा है, तो अभी जो फॉरेन के अंदर जितने जर्नलिज्म चलते हैं वो इतने ताकतवर क्यों है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उनको क्राउड फंडिंग होता है, उनके जो रीडर्स हैं उनको पे करते हैं, आज तक अगर 20 हो जाएगा हमारा पेपर फेंगे तो अर्निंग होगा, जब तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं में वो भी नहीं हो पा रहे, तो हमको ये करना पड़ रहा है कि ऐड लाने के लिए भागना पड़ रहा है, हालांकि ऐड के लिए डिपार्टमेंट होना चाहिए और वो डिपार्टमेंट उसी पे मेहनत करे, राइटर राइटिंग पे मेहनत करे, तो उसका कंट्रीब्यूशन से ये होगा कि आपका पेपर आपका जो भी मीडिया हाउस है वो जो है तो ग्रो होगा। हाँ, अक्सर बोलते हैं कि एक चीज़ है ये हमने इतनी अच्छी खबर छापी आर्टिकल लिखे रीडर कम मिले, मेरा मानना है रीडर कम ज़्यादा मत करो, अगर हम म्यारी लिख रहे हैं और उसका समाज पे असर पड़ रहा है तो उससे ही आपको जो है तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा जो मैंने मालेगांव में देखा, हालांकि मैं पुणे रहा, चेन्नई रहा, दिल्ली रहा, हैदराबाद रहा, वो अलग बात है, हम खबर छाप रहे यूट्यूब पे डाल रहे वीडियो और सुबह तक जाग रही इस इंतजार में साहब का फोन आएगा कि खबर अच्छी थी, मतलब सोए नहीं, अरे खबर तो ऐसी होनी चाहिए कि आपको नींद अच्छी से आए, सुकून से आए कि ये खबर मैंने की, उसका कोई समाज में फायदा होगा। तो मेरी स्टोरी आपको मेरे वालिद के आईने छापर किताब में लास्ट पेजेस में मिलने की कोशिश की है, मैंने यूनिक खबर करने की, और हमने ट्रेन भी चलाया था ये मालेगांव के जो मसाइल है उस बहुत लोग बोलते हैं तो जब देखो ये बुनियादी मसाइल पर लिखते हैं मसाइले लिखो ना उसका असर हो रहा है नहीं हो रहा है, अवेयरनेस तो बढ़ रही है, अभी हम नशा मुखालिफ हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें मेरा टारगेट है कि 100 स्टोरीज मालेगांव की उठाऊँ, नशे के ऊपर आज महाराष्ट्र के अंदर जो सिटीज है मुमरा है मुंबई है औरंगाबाद है मालेगांव भी नशे की चपेट में आ चुके हैं, तो उनको अवेयरनेस के लिए हम एक मुहिम चालू की है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पेपर्स के हम लोग सेंड करते हैं आर्टिकल स्टोरीज नशा मुखालिफ आप उसको वापिस करें, और इतनी बात बोलिए उसकी बात कर लो बहुत शुक्रिया। अंधेरी रात को ये मौजूदा दिखाएंगे हम, क्या बात, अंधेरी रात को ये मौजूदा दिखाएंगे हम, चिराग अगर न जला अपना दिल जलाएंगे, हमारी कौनी के है मुख्तलिफ मेयार, पहाड़ काट के रस्ते नए बनाएंगे हम, नए रास्तों की बात कर रहे थे साजिद नहीं कर, सहाफत के इस मैदान में सहाफत की इस जो मसाइल है
इसमें हम किस तरह से अपनी अर्निंग और अपनी मजबूती को बढ़ा सकते हैं। इसी दरमियान में शफीक एंटी करप्शन साहब मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर हैं और मुख्तलिफ तौर से आप इंतहाई फाल रहते हैं, कोई हादसा हो जाए कहीं पर किसी की डेथ हो जाए आप यकीनन वहां पहुंच जाते हैं। मैंने उनका इस्तकबाल कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी मैं बतला दूं कि गुल पेश करके मैंने उनका इस्तकबाल किया, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। आइए दूसरे मुकर्रर की हैसियत से मैं फरनूर रूमी सर से इल्तिजाज करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाए और अपने साथ तासुरात पेश। अस्सलाम वालेकुम। हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। आए हुए तमाम ही मौजूद मेहमानान का मैं इस्तकबाल करता हूँ और पत्रकार विकास फाउंडेशन में जो भी जिम्मेदारान हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पेशरफ्त की है कुछ नए टॉपिक्स को लेकर जो मसाइल दरपेश है सहाफ़ियों को। मैंने चंद बातें नोट की हैं इस दौरान जो मुझे कहनी थी, हालांकि मैं ज़्यादा बोलने का कायल नहीं हूँ किसी भी प्रोग्राम में, अपने चंद टूटे फूटे अल्फाज में मैं अपनी बात खत्म करूँगा कुछ मिनटों में। जनाबे वाला मौजूद हाजरीन, मौजूदा दौर मीडियाई दौर है, जब से दुनिया कायम है अबला व तबलीग और इरसाल की अहमियत रही है। इंसान के माफी ज़मीर की अदायगी के लिए ज़बान जो है तर्जुमान बनती है, इसीलिए कहा गया कि खलक अल इंसान अल्लमाहुल बयान, इंसान को पैदा किया और बोलना सिखाया, उसके बाद हाथ में कलम आया और फिर जदीद वसाइल की दस्तियाबी हुई और जदीद सहाफत वजूद में आई। जनाब वाला, इंसान का वजूद जिस अजीम मिशन और मंसूबे के लिए हुआ उसमें अबलाग को बहुत अहमियत हासिल है। पैगंबर अपनी कौम में मीडिया यानी अबलाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया करते थे। हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो किस्म का मीडिया हुआ करता था, एक बातिल परस्त मीडिया और एक हक परस्त मीडिया। बातिल परस्त मीडिया जो इंकारी था, शिर्क में मुलविस था और वो प्रोपेगेंडा किया करता था हक परस्तों के खिलाफ, और दूसरा हक परस्त मीडिया जो तौहीद परस्तों का था और जो तौहीद की दावत दिया करते थे। फिर मदीना हिजरत करने के बाद एक नए किस्म के मीडिया से हमारे नबी और उनके रफका को सामना करना पड़ा, और उस मीडिया का नाम था मुनाफिक मीडिया, जिसे आज के दौर में हम गोदी मीडिया कहते हैं, और जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला इब्ने उबई था, जिसको इब्ने सलूल भी कहते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारे जमाने में इस दौर में गोदी मीडिया बड़े पैमाने पर हावी हो रहा है मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पर, और इस बीच हमें अपनी शनाख्त बनानी है। जो सच्चे सहाफी हैं, जो सच्चे पैगाम को आवाम के दरमियान लेकर आते हैं, उनको अपनी शनाख्त बनानी है, सच्ची बात रखनी है। तो इन्हीं सारे मसाइल को लेकर आज जो पत्रकार विकास फाउंडेशन ने एक मुद्दा उठाया है और ये प्रोग्राम रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि खातिर खास नतज के साथ और हल के साथ हम यहाँ से उठेंगे। इसी के साथ मैं शुक्रिया के साथ तमाम ही लोगों को मुबारकबादी पेश करने के बाद अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया। आसमानों से अगर एक इशारा हो जाए, जो ना होता हो वही काम हमारा हो जाए, ये भी मुमकिन है। दरिया ही बदल ले रास्ता, क्या बात है। हम किनारा ना करें और किनारा हो जाए। यकीनन नए जोश और जज्बात के साथ नौजवान साथियों का यहाँ पर अपने तासुरात का सिलसिला दराज है। आइए एक मंझे हुए साथी को हम सुनते चले। मालेगांव शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं दास्तान शहर के उनवान से यूट्यूब चैनल और अखबार हफ्ता रोजा अखबार जारी किया है अभी हाल ही में, मंसूर अकबर साहब से मैं इंतमाद करता हूँ माइक पे तशरीफ लाए और अपने आज की इस तकलीफ के सब मेरे न्यायत बीबीना करम शर्मा जनाब से इस्माइल साहब अरसुल बलाग मुंबई से तशरीफ लाए हमारे अकाबरीन फतेह मोहम्मद खान साहब, मुश्री अंसारी साहब, सत्य प्रकाश तिवारी साहब, और जिनकी नौजवानी में हमने अपना बचपन गुजार कर सहाफत सीखी, हमारे बाबा जनाब सरफराज आजम खान साहब, तमाम हमारे बाबा, तमाम मेहमानान का मैं उर्दू मीडिया सेंटर की जानिब से, मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से,
प्रेस क्लब ऑफ मालेगांव की जानी से तमाम का इस शहर अधिक दयारी अधिक में खैर मक्खन करता हूँ। बीवी के कान में वही पीतल की बालियां, जो सबसे बुरा हो गया सोने की कामी। दोस्तों, मैं सबसे पहले यूसुफ राणा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज साथ की बेदारी को लेकर उन्होंने जो आज एक तहरी छेड़ी है, मैं समझता हूँ कि आइंदा दिनों आने वाले वक्त में ये एक कारामत कोशिश होगी। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और हर मुमकिन ताउन की उम्मीद दिलाता हूँ। वहीं इस बात के लिए माजरत खाती हूँ कि साजिद नईम सर, यूसुफ राणा साहब गुज़िश्ता एक हफ्ता से मुझको इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको कन्वेंस करने के लिए बोलते रहे, मगर दोस्तों कच्चे मकान से है, बादल का रिश्ता, बारिश में हो गए सारे कलाम शुरू। और तंगी वक्त के सबब मैं इसको वक्त नहीं दे सका, वरना और शहर में कई तकलीफ भया वक्त तो आज होने की वजह से कातिल का तादाद नहीं आ पाई, मगर जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें रहती हैं तादाद से क्या होता है। दोस्तों, आज का साथियों को लेकर आज जितने लोग हैं, हम पेशावराना तौर पर एक दूसरे के बहुत मुखलिस हैं। हर शख्स हमें तो चाहता है कि यार हर कोई तरक्की करे, शहर की साफ़त माशाल्लाह बहुत कमज़ोर हो गई। साजिद नईम सर ने जो बताया कि मालेगांव का जो मीडिया है ये नेशनल मीडिया तक अपनी रसाई कर रहा है, मगर पैर के नीचे जो हमारे जमीन नहीं है, सबसे पहले हम लोग के पास जमीन होना चाहिए। पत्रकार विकास कमीशन इसके लिए जो कोशिश कर रहा है और इतने सीनियर के साथ अगर कोशिश हो जाए, इसमें अगर हम सब लोगों का इश्तराक शामिल हो जाए तो हम अपने मसाइल का हल और उसका जवाब तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, यूसुफ राणा साहब जब हम लोग किताबत के बाद जब कंप्यूटर GDP ऑपरेटर पे आए तो पहले ऑपरेटर देख थे ये लोग, जब से मैं देख रहा हूँ उनको, बाबा की भी ये कमाने में तभी बीमार है। तो ये हम लोगों के शहर में आए, मुझको हैरत हो गया, हम लोगों को इन लोगों के पास जाना चाहिए था अपने मसाइल के लिए, मगर ये एक गहमा गहमी का माहौल, एक नक्शा नक्शी का आलम हम लोग को। मैं सिर्फ आप लोगों से चाहता हूँ कि शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, आज बहुत कुसम बरसी की हालत में हम लोग यहाँ पर जीते हैं। पर मैं पत्रकार विकास फाउंडेशन से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले साफ्ती वर्कशॉप मुनक्की किया जाए। जब हम लोग मजबूत होंगे, जब हम लोगों में जबान आएगी, हम जिस जबान के साथी हैं उस जबान को सीखेंगे, जो साफ्ती कवानीन है, जो उसूल जवाबित है, अगर हम उसके ऊपर अमल करना सीख लें तो हम एक अच्छे साफी बन सकते हैं। और मदद और हेल्प एक अच्छे साफी की ही करना चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि समाज में अगर जर्द साफत का कोई साफी है तो वो तमाम जितने खराब चेहरे, जितने विलन्स हैं, इनमें सबसे खराब शख्स वो होता है जो जर्द साफत करता है। तो सबसे पहले हमको थिंक पॉजिटिव, मुस्ती सोच के ऊपर काम करना होगा और सीनियर से सीखना होगा। मालेगांव शहर में सीखने सिखाने का जज्बा बहुत कम है, जिनको हवा का तक तो मयस्सर नहीं हुआ वो घर की छत पे चढ़ के सुलेमान हो गए, और शेर अदब से जिनका कोई वास्ता नहीं है ऐसे भी लोग साहिब दीवान हैं। तो दोस्तों, अपने आप को तालिबे में समझिए, जब तक हम लोग सीखने का जज्बा नहीं पैदा कर पाएंगे हम सीख नहीं पाएंगे, जब तक हम लोग सीख नहीं सकते, किसी भी कौम का मैार उसकी साफत से जाना जाता है। अगर हमारा मैार बुलंद होगा तो हमारी साफत का मैार बुलंद होगा, हमारी साफत का मैार बुलंद होगा तो हमारी कौम का मैार बुलंद होगा। मैंने देखा कि धुलिया में पत्रकार लोगों की बाकायदा कानूनी है, और यहाँ ये के साथ है कि एक चादर में चार सोते हैं, मुफ्तीसी का शिकार सोते हैं, पांचवा ना कोई खींचते सबके ना होशियार सोते। भिवंडी शहर में क्या बाबा मैं इतनी आलीशान कारपोरेशन मैंने इस्तेमाल किया, वहाँ साफियों के लिए इतना बड़ा एक रूम बनाया था कि अगर तुम रिकॉर्डिंग के लिए आते हो तो उनके बाकायदा वहाँ पर उनका चेम्बर बना हुआ है, उनके लॉकर्स है, सबका उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, ताला लगाते हैं, अपना रूम रखते हैं अपना, यहाँ कुछ भी नहीं। आज हम 11,000 कानूनी की मांग करते हैं, 11,000 कानूनी में वो लोग जो सड़कों पर और रोड पर रहते हैं। साफियों को यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ लीडरान है, कुछ साफिये बोलते हैं कि यार साफियों को 11,000 कानूनी में जगह दी जाए, परवाज है दोनों की उसी एक जगह में, करगिस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। मैं उन लोगों की मुखालफत करता हूँ जो ये भीख मंगी कानूनी मांगते हैं, हमारा वो निकार उदार नहीं है, साफी का विकार नहीं है वालों में और अनाथ लोगों के दरमियान में जिंदगी गुजारे। दोस्तों, सबसे पहले पत्रकार विकास फाउंडेशन मालेगांव में अपना जो मुकामी साख है इसको मजबूत करे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक मीटिंग ली जाए। पत्रकार विकास फाउंडेशन को हमारे शहजाद भाई हैं, साकिब भाई हैं, जाहिद भाई हैं, अन्नू भाई हैं, जाविद शाह है, साहिद नईम सर, इमरान राशिद है, ये सब लोगों के इश्तराक से इसको मुकामी तौर पर साख को यहाँ मजबूत करो। जब साख यहाँ मजबूत होगी तो हम अपने मसाइल की तरफ जाएंगे, हम अपने मसाइल कारपोरेशन में कहाँ लेके जाएंगे जो खुद मसाइल से दरपेश दो चार,
तो आगे स्टेट लेवल तक आप लोगों की रिसाई है, मालेगांव के साथियों को लिए आप लोग कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात की इस साल एग्रोअल लिस्टों के लिए जाकिर भाई मालेगांव छोड़ के तमाम लोगों को एग्रोअल लिस्टों का दिया गया, मालेगांव में किसी अखबार को एग्रोअल का नहीं दिया गया। जाहिर दीवान का अप्लीकेशन था, धुलिया से तवाब अंसारी को दे दिया गया, हमारे मसाइल के लिए कोई बोलता नहीं। हमारे यहाँ पेड न्यूज लगती है, ये वक्त की जरूरत है। घर जाओ, उन्होंने बोला कि आप घर जाओ तो सवाल होता है, तो पेड न्यूज का भी अपना एक तरीका होना चाहिए। पेड न्यूज के अंदर हम इतनी साफत को बदनाम करते रहे कि शहर का जो बाशऊर और संजीदा तबका है वो हमारे करीब नहीं आ रहा है, हम लोगों में कुछ लोगों की वजह से। तो खुदारा पहले अपने अंदर अपनी इसलाह कर लीजिए, फिर हमारे मसाइल के लिए, हमारी इयानत के लिए खुद बहुत लोग चल कर आएंगे। आज साजिद नईम ने बताया कि यार मॉडर्नाइज होना है हम लोगों को, जदीद साफत के साथ चलना है, कि नए अनोखे मोड़ बदलने वाला मैं, चली जगत पे कभी ना चलने वाला मैं, तुम क्या जानो अजब अजब इन बातों को, आप कहीं हो जहां हो जलने वाला मैं। तो पत्रकार विकास फाउंडेशन प्रिंट मीडिया के साथ जदीद साफत के वसायल और अस्बाब की फराहमी में भी मदद करेगी, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। तमाम लोगों को आज के इस प्रोग्राम की शिरकत पर मुबारकबाद, जिन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए बेशुमार मुबारकबाद, तमाम मेहमान का हम तालिबे इल्मों की जानिब से इस्तकबाल, और बोलने में कोई बात अगर हुई तो उसके लिए सारे माजरा को आपकी तरफ अलग से मिलता है।